शॉप है जहाँ पे मैं काम करता था। शायद से आप लोग को जानकारी नहीं होगा कि मुनार फर्गी अपने स्टैंड अप करने से पहले एक बर्तन के दुकान में काम किया करते थे। तो मैं आप लोगों को आज इस बर्तन के दुकान का पूरा सीन दिखलाऊंगा। तो कर्ली टेल्स के एक इंटरव्यू में जहाँ वो डोंगरी घूम रहे थे मुनार फर्गी के साथ, तो उसी में वे अपना दुकान ही दिखलाया जहाँ वो काम किया करते थे पहले। तो अभी देखो ये वीडियो। ये शॉप है जहाँ पे मैं काम करता था। अभी देखो अभी कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। ये तो ये अल फहीम स्टोर है, तो यहाँ पे मैं काम करता था। तो बहुत सारी मेमोरीज है कस्टमर्स को। यहाँ पे कंपटीशन भी है, बहुत सारी दुकान है, तो कंपटीशन इतना है। ये देखो ये मेरा कंपटीटर है, आओ इधर आओ जाहिद भाई। जाहिद भाई है। तो मैं जब यहाँ पे काम करता था तो जाहिद भाई की बाजू की दुकान होती थी और हमारे यहाँ, तो ये कंपटीशन इतना मार्केट में कि हमको यहाँ पे खड़े रहना पड़ता था कस्टमर के लिए। ऐसे होता था कि हम यहाँ पे रुक जाते थे ताकि कस्टमर इससे आगे ना जाए। अगर कस्टमर वहाँ से आ रहे थे लोग रुक जाते थे कि आप प्लीज देख लो। तो इस तरह का यहाँ पे बिजनेस चलता है, बट बहुत सारा प्यार है सबके बीच में। आप मुझे आप चाहिए, हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। मुनार से एक टेस्ट भी किया गया बर्तन की दुकान में, काफी सामानों का रेट पूछा गया उनसे और वो काफी चीजों के सही रेट भी बताए। ओके लेट्स स्टार्ट विद द इजीियर वंस। इसका क्या होगा प्राइस? अराउंड 25-35। इट्स इजी। कितना है राइस? बराबर है, सेम प्राइस है। ओके 1-1 मिल। इसका प्राइस क्या होगा? ये जो आगे भाई, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें कितना रहता है? 220-230। अभी क्या है? 350। ये बढ़ गया, बढ़ गया। सेट का प्राइस, इसको वजन करो, का है वजन? अच्छा ये सब ही होगा। तकरीबन 4 kg है। 300 रुपये किलो। 350 गैस करना मुश्किल है। 1100 अराउंड। 1300 टू ऑल। लास्ट वन डील ब्रेकर। या श्योर। तो एल्युमिनियम स्टील का प्राइस पता चल गया, तो ये मेरे लिए तांबा लेके आया। 3500 रुपये। 3300। 1300 रुपीज किलो आ रहा है। मुझे लगा 2000 किलो हो चुका है, इसलिए मैं 3000 रुपये हिसाब लगा। 3-2 ये लोग जीत चुके हैं। और मुझे ये प्राइस नहीं पता है, बट मुझे जो प्राइजेस पता है वो बहुत काम आ रहा है आजकल।